हाय एवरीवन, वेलकम टू माहीज़ डायरी। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी सी रेसिपी बताने वाली हूँ मोदक की, जिसके लिए आपको कुकिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 2-in-1 मोदक बनाएंगे जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। सो लेट्स स्टार्ट इट्स रेसिपी। इस रेसिपी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा, और 3/4 कप इसमें जाएगा कंडेंस्ड मिल्क। रेशो बिल्कुल सिंपल है, जिस भी कटोरी या बाउल से आप मेजरमेंट ले रहे हो, जितना आप नारियल का बुरादा लोगे उसकी आधी क्वांटिटी का आपको कंडेंस्ड मिल्क लेना है, जो कि वजन में पर ज़्यादा होता है। जैसे कि इसमें मैंने लिया है 100 ग्राम्स डेसिकेटेड कोकोनट और 150 ग्राम्स कंडेंस्ड मिल्क, लेकिन अगर बाउल की क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाए तो आधी क्वांटिटी जाती है कंडेंस्ड मिल्क की और डबल जाती है नारियल के बुरादे की। तो टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है इलायची पाउडर, और इन सब को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप हाथों से मिक्स करोगे तो हल्का सा घी लगा लो हाथों पे ताकि चिपके नहीं, और इसको बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। मैंने यहाँ पे 1/2 एंड 1/2 दो पार्ट्स में डिवाइड किया, और एक बड़ा चम्मच यानी कि 1 टेबलस्पून भर के इसमें कोको पाउडर ऐड कर लिया। ये बिल्कुल अनस्वीटन्ड है, बिल्कुल मीठा नहीं है, तो आप किसी भी कंपनी का अनस्वीटन्ड कोको पाउडर 1 चम्मच बड़ा इसमें ऐड कर लो। थोड़े से इसमें चोको चिप्स ऐड कर लो, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको बीच में नहीं ऐड करने तो आप ऊपर से सजावट के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हाथों पे घी लगा के उसे अच्छे से कर लिया मिक्स, ताकि चॉकलेट वाला बैटर जो है वो अच्छे से चॉकलेटी दिखे प्रॉपर। तो उसके बाद मेरे पास था प्लास्टिक का मोल्ड मोदक के लिए, उस पर हल्का सा घी लगा के उसको ग्रीस करना है। तो हाफ साइड पे रखेंगे हम चॉकलेट वाला बैटर और हाफ साइड पे रखेंगे सिंपल वाला बैटर। मोदक के मोल्ड को अच्छी तरह से बंद करके जो एक्स्ट्रा साइड्स पे निकलता है बैटर, उसको रिमूव कर देना है और अच्छे से प्रेस करके उसमें एडजस्ट कर देना है, ताकि मोदक की शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। उसके बाद एक साइड्स पे जो एजेस आपको लगता है थोड़े अनइवन है, उनको इस तरह से प्रेस करके आप इवनली सेट कर सकते हो। उसके बाद ऊपर से ऐड कर दो चॉकलेट चिप्स, ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और टेस्टी भी लगेगा। तो इस तरह से आप गणपति बप्पा को भोग लगा सकते हो 10 मिनट में ये मोदक बनाकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए विद बेल आइकन। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।